हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने फोर्थ चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम शुरू कर दिए थे, जिसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए थे। नहीं हुए कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया था कि अगर नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो सारे क्वेश्चन खुद करा दूंगा। ठीक है? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से हमें एक एक क्वेश्चन को कवर करना है, जिसमें बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ करा दिया था, फिफ्थ करा दिया था, सिक्स्थ करा दिया था। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चन करने हैं, तो आज चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर भाई, सबसे पहले सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन। हाँ जी, लिखा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। कह रहा है दो नंबरों का डिफरेंस 180 है। ठीक है, सॉरी, दो नंबरों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, और द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द बोथ नंबर। देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन प्यारे बच्चों बहुत प्यारा क्वेश्चन है और करना बहुत जरूरी है। ठीक है, करना क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा। मैं आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, मुझे पता है दिक्कत हो रही है बच्चों को। ठीक है, अभी शुरुआत में इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बच्चों मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती है, आप थर्ड चैप्टर को सबसे पहले बहुत अच्छे से रिविजन करो, क्योंकि अगर थर्ड चैप्टर अच्छे से रिविजन नहीं करोगे बच्चों, तो आपको फोर्थ चैप्टर समझने में दिक्कत आएगी ही आएगी। ठीक है, जो बच्चा थर्ड चैप्टर रिवाइज नहीं कर रहा है, उसके सामने दिक्कतों का पहाड़ बनता चला जाएगा इस चैप्टर में। और जिस बच्चे ने मेरे थर्ड चैप्टर की वीडियोस बहुत अच्छे से देखी है और बहुत अच्छे से समझी है, तो कभी जिंदगी में भी उनको इस चैप्टर में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए मैं आप सभी बच्चों को ये कह रहा हूं, थर्ड चैप्टर कम से कम 2 बार जरूर देखें। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन ये था कि हमारे पास दो नंबर हैं और उनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। और फिर कह रहा है कि फिर आगे कह रहा है कि छोटे नंबर का स्क्वायर, छोटे वाले नंबर का स्क्वायर बड़े वाले नंबर का 8 गुना है, बड़े वाले नंबर का 8 गुना है। तो बताइए कि नंबर, दोनों नंबर क्या है। चलो, तो इसका मतलब ये है बच्चों, अगर डिफरेंस की बात हो रही है, बड़े छोटे की बात हो रही है, तो इतनी बात तो पता चल चुकी है मुझे कि एक नंबर बड़ा है और दूसरा नंबर छोटा है। सही बात है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, लेट द लार्जर नंबर इज, लार्जर नंबर इज क्या मानोगे बच्चों, एक्स माना, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है, क्या मानेंगे बच्चों, बड़ी संख्या एक्स। एंड द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर इज, प्यारे बच्चों छोटी संख्या मैं क्या मान के चलूंगा, वाई। अब कहोगे सर कर दी ना वही बेवकूफ वाली बात, अब आपने कहा था कि हम भाई कभी भी क्या नहीं लेते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वेरिएबल नहीं लेते, एक्स और वाई तो लेते ही नहीं, आप तो या तो एक्स ही करा रहे थे या तो वाई से ही करा रहे थे, तो आपने यहां पे एक्स वाई क्यों लिया, इसका रीजन दूंगा मैं बच्चों। यहां पे एक्स वाई मैंने इसलिए दिया क्योंकि छोटे नंबर और बड़े नंबर का डिफरेंस दिया है, लेकिन कैसा, स्क्वायर वाला। ठीक है, दूसरी बात, इनका कोई टोटल नहीं दिया, अगर टोटल दिया होता तो मैं वो सेफाली वाले काम करता, कैसे, टोटल मार्क्स 30, एक का एक्स मानता तो दूसरे का क्या जाता है 30 - x, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा बच्चों। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो कराने को मैं इसको भी करा सकता हूं, लेकिन इस तरीके से ज्यादा आसान रहेगा, इसलिए मैं ऐसे करा रहा हूं। ठीक है, चलिए, तथा छोटी संख्या है, छोटी संख्या है क्या बच्चों, वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या बोला गया आपसे कि भाई बड़े नंबर का स्क्वायर माइनस छोटे नंबर का स्क्वायर कट, यानी कि बड़े का स्क्वायर छोटे का स्क्वायर बीच का डिफरेंस कितना है, 180। कितना डिफरेंस है, 180। इक्वेशन नंबर क्या बन गई है, 1। नाउ अब उसने क्या बोला है, अब उसने बोला है कि छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े नंबर का 8 गुना है। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मान लीजिए ये नंबर है 5 और ये नंबर है 3, ये नंबर है 3, अभी नंबर छोटा कौन सा है ये बता दो मुझे, अभी नंबर है छोटा 3, अभी नंबर कौन है छोटा 3। अब जो नंबर आपका छोटा है ना, जो नंबर आपका छोटा है, आप उसका स्क्वायर कर दो, आप उसका स्क्वायर कर दो छोटे वाले नंबर का, तो छोटा नंबर है कौन 3, अब 3 का स्क्वायर करो क्या बन गया 9। अब बताओ मुझे कौन बड़ा हुआ, हाँ भाई 9 बड़ा है या 5 बड़ा है, आप बोलोगे 9 बड़ा है,
यानी हमने क्या देखा कि अगर हम किसी छोटे नंबर का, अगर दो हमारे पास मान लीजिए दो नंबर है, एक बड़ा नंबर है एक छोटा नंबर है, और अगर आप छोटे वाले नंबर का स्क्वायर कर देते हैं तो बड़ा नंबर अपने आप छोटा हो जाएगा और छोटा नंबर स्क्वायर होने के बाद क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देख रहे हो अभी बड़ा नंबर बड़ा है छोटा नंबर छोटा है, लेकिन जैसे ही मैंने छोटे नंबर का स्क्वायर किया तो बड़ा नंबर तो अपनी जगह पे फिक्स रहा लेकिन छोटा नंबर क्या हो गया, बड़ा हो गया। छोटा नंबर क्या हो गया, बड़ा। तो अब मुझे ये बताइए बड़ा नंबर कौन है, एक्स, ठीक है, छोटा नंबर कौन है, वाई। अब उसने क्या बोला है कि छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े का 8 गुना है, तो छोटे नंबर का स्क्वायर, छोटे नंबर का स्क्वायर भाई कौन, अब छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े का 8 गुना है तो बड़ा नंबर कौन है, एक्स, तो वो 8 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से। क्यों, क्योंकि जो बड़ा नंबर है स्क्वायर होने के बाद क्या बन चुका है, छोटा, तो इसलिए जो वो 8 है वो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। क्या मेरी कंडीशन सभी बच्चों को समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब ये क्या बन गया, इक्वेशन सेकंड। नाउ टेक इक्वेशन फर्स्ट, टेक इक्वेशन फर्स्ट भाई, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, वाई स्क्वायर किसके बराबर है, तो क्या मैं वाई स्क्वायर की जगह पे 8x रख सकता हूं, जल्दी बता दो, रख सकता हूं कि नहीं। अब प्लस का 180 इस तरफ आके क्या बन जाएगा, माइनस का 180। फैक्टर बना सकता हूं, बना दो फैक्टर, क्या बनेगा 10 और 8, क्या बनेगा 10 और 8, नहीं नहीं 10 और 8 नहीं बनेगा, सॉरी 180 का फैक्टर बनाओ, तो 2 से कटेगा 90, 2 से कटेगा 45, 3 से कटेगा 15, 3 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 1, ठीक है, तो क्या बनेगा, हाँ 18 और 10 बनेगा, 5 दुनी 10, 3 तिया 9 दुनी 18, तो क्या बनेगा 18 और 10। अब मुझे 8 कैसा चाहिए, माइनस का, तो 18 प्लस माइनस का और 10 प्लस का, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x, और 180 को मैं 18 गुना 10 लिख सकता हूँ, तो बस x कॉमन x माइनस 18, और यहां से क्या कॉमन आएगा 10, तो x माइनस 18, ठीक है। चलो बस मेरे को कंडीशन समझानी, तो कंडीशन ही मेन है, x माइनस 18 x प्लस 10 बराबर 0, x माइनस 18 बराबर 0, x प्लस 10 बराबर 0, माइनस 18 इधर आके प्लस और प्लस 10 इधर आके माइनस। अब मैं ये नंबर तो लेना ही नहीं है, ठीक है, माइनस का नंबर क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर जो है अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करता हूँ और बड़ा नंबर मैं माइनस का ही लेता हूँ तो पहले से ही छोटा रहेगा, तो इसलिए हम माइनस को लेंगे ही नहीं। तो यानी कि नंबर x क्या आ गया 18, तो यानी अगर पहला नंबर 18 है तो दूसरा नंबर क्या होगा भाई, पुट कर दो यहाँ पे, पुट कर दो यहाँ पे, पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड, जिस मर्जी में पुट कर दो, तो मैं सेकेंड में कर रहा हूँ, ठीक है। तो 8x बराबर वाई स्क्वायर, 8x कितना 18, वाई स्क्वायर, हाँ जी 18 अट्ठे कितना होता है 144, और y का स्क्वायर यहां पर आके क्या बन जाएगा रूट, और 144 क्या होता है 12, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लार्जर नंबर आपका 18 है और स्मॉलर नंबर आपका 12 है। करो यहां पे मत लिखना, ये तो मैंने लिख के दिखा दिया, आपको नीचे लिखना है द लार्जर नंबर इज 18 एंड स्मॉलर नंबर इज 12। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया ये सभी बच्चों को, ये सेकंड वाली लाइन समझ में आई क्या है। और बच्चों सभी बच्चों को मैं कह रहा हूं थर्ड चैप्टर रिवाइज करो, ताकि हम लोग भाई उसका भी टेस्ट ले सकें, ठीक है, थर्ड चैप्टर का टेस्ट होएगा, टू वेरिएबल्स। मुझे पता था मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको, आपसे नहीं होगा, ठीक है, कुछ बच्चों से हो गया था, लेकिन लेकिन नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर दूंगा। इसके बाद हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, फिर करेंगे 10, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा नोट सभी का, ठीक है, चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन सुनेंगे बच्चों पहले फिर आगे देखेंगे। क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर
एट यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की डिस्टेंस, 360 किलोमीटर की डिस्टेंस दूरी एक ही समान चाल में यूनिफॉर्म स्पीड में, मतलब उसकी स्पीड आगे पीछे नहीं हो रही है, अगर 60 पे चल रही है तो 60 पे फिक्स हो गई है, इस स्पीड पे चलना शुरू करती है 360 किलोमीटर तक, 360 किलोमीटर तक। कह रहा इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, कह रहा कि अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता, अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता, कितनी बढ़ा देता, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता, हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर सेम जर्नी, तो कह रहा है उसी दूरी को पाने में वो 1 घंटा कम लगाता, उसी दूरी को पाने में वो 1 घंटा कम लगाता। तो बताइए ट्रेन की स्पीड क्या है, इतना नकली सा क्वेश्चन है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है नोट हो गया। चलो क्वेश्चन समझेंगे, पहले क्वेश्चन समझेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे जरा ध्यान से, बच्चों ये रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक है, यहां पे एक रेलगाड़ी है, ठीक है, ये यहां ए पॉइंट से चलना शुरू करती है रेलगाड़ी और इस बी पॉइंट तक ये रेलगाड़ी आती है, ठीक है जी, इस बी पॉइंट तक रेलगाड़ी आती है और इस ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है भाई, 360 किलोमीटर है। अब कह रहा है कि ये जो ट्रेन है ना अपनी एक फिक्स स्पीड से चलती है, अपनी एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, अपनी एक मतलब क्या बच्चों, समान चाल, समान चाल मतलब क्या कि अगर यहां से वो किसी स्पीड से चलना शुरू की तो यहां पर भी उसी स्पीड पर पहुंचेगी, मतलब अपनी स्पीड ना ही इसने घटाई ना ही इसने बढ़ाई, ठीक है। अगर मान लो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है ट्रेन तो एंड तक, मतलब अगर मान लो यहां से आगरा जाना है तो यहां से ये 60 पे शुरू हुई और आगरा भी 60 पे जाके रुक गई, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। चलो अब यहां तक की बात तो हो गई, लेकिन हमें स्पीड तो पता है नहीं, तो हम क्या मान के चलेंगे कि ट्रेन की स्पीड कितनी है, एक्स किलोमीटर पर आर, ठीक है। लेकिन कंडीशन में क्या बोला इसने कि भाई ए से निकली ट्रेन एक्स किलोमीटर पर आर से और बी पे भी उसी पे पहुंच गई, लेकिन एक बात बताओ, जब ए से ट्रेन इस स्पीड से निकलेगी तो बी तक पहुंचने में कुछ तो टाइम लेगी ही ना, कुछ ना कुछ तो टाइम लेगी, 5 घंटे 10 घंटे जो भी ले ले, ठीक। लेकिन बच्चों इसने एक कंडीशन बना दी इसके अंदर कि अगर अगर इसकी स्पीड अभी कितनी है एक्स, कह रहा अगर मैं इसकी स्पीड 5 और बढ़ा दूं, मतलब एक्स प्लस 5 कर दूं, कितना कर दूं, एक्स प्लस 5 कर दूं, तो जिस टाइम पे ये पहले पहुंच रहा था ना उस टाइम से 1 घंटे कम में पहुंच जाएगा ये सेम उसमें, मतलब अगर मान लो, अब एक सिंपल सी बात बताओ, आप मान लीजिए अपने स्कूल से घर जाते हैं पैदल चल के तो आपको लगता है मान लीजिए 1 घंटा, ठीक है। अब सीधी सी बात है, लेकिन अगर आप स्कूल से घर की तरफ भाग के जाएंगे तो क्या आपको तब भी 1 घंटा ही लगेगा, तब आपको 1 घंटा नहीं लगेगा, क्यों, ठीक है, क्योंकि जब आप पैदल चल के जा रहे थे तो आपकी स्पीड बिल्कुल कम थी तो आपने टाइम लिया ज्यादा, लेकिन जब आप भाग के गए घर पे तो आपका क्या हुआ, स्पीड ज्यादा थी तो अपने आप टाइम क्या लगेगा, कम। तो सीधी सी बात है बच्चों, जब हम किसी चीज की स्पीड बढ़ा देते हैं तो वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कम टाइम लेता है, क्या लेता है, कम टाइम लेता है। सिंपल सी बात है, आप दो भाई हो, ठीक है, अगर आप दो भाई हो या दो बहन हो या भाई बहन हो, आपके बीच में रेस लग गई, 100 मीटर की रेस है, तो सीधी सी बात है जो तेज भागेगा वो कम टाइम में वहां पहुंच जाएगा और जो धीरे भागेगा वो क्या होगा भाई, वो ज्यादा टाइम लेके वहां तक पहुंचेगा, पहुंचेंगे दोनों, लेकिन जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो पहले पहुंचेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो बाद में पहुंचेगा। तो देखो अभी शुरुआत में उसकी स्पीड क्या थी, एक्स, तो सीधी सी बात है टाइम ज्यादा लेगा, लेकिन अब इसकी स्पीड क्या हो गई, एक्स प्लस 5, क्यों, क्वेश्चन में बोला है कि अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आर इंक्रीज कर दें, तो पहले x था तो x में ही तो क्या कर देंगे 5 इंक्रीज, तो अब भी वहीं पे पहुंच रहा है लेकिन टाइम कितना कम ले रहा है,
एक घंटे कम टाइम ले रहा है। कितने घंटे कम टाइम ले रहा है? एक घंटे कम टाइम ले रहा है। रीजन, क्योंकि स्पीड इसने बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम हो गया। यहां तक पल्ले पड़ गई बात। तो अब इसी चीज को इक्वेशन में ढाल दो, इसी चीज को किस में ढाल दो? इक्वेशन में ढाल दो। तो चलो पहले तो लिख लो, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड बोलो x किलोमीटर पर आर, माना रेल की चाल, रेल की चाल कितनी है? x किलोमीटर पर आर, ठीक है। एंड द डिस्टेंस, एंड द डिस्टेंस बिटवीन, हाँ जी, किसके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है ये? कुछ भी नहीं पूछ रहा भाई, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ऑफ, अब ऐसे लिखेंगे, एंड द डिस्टेंस ऑफ जर्नी, जर्नी, हाँ भाई, पूरी जर्नी की डिस्टेंस कितनी है? 360 किलोमीटर आर, 360 किलोमीटर, ठीक है। और सॉरी, तथा तथा यात्रा की दूरी, यात्रा की दूरी, तो बच्चों यात्रा की दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर। अब देखो बच्चों, रिलेशन याद करो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, होता है कि नहीं होता, जल्दी बता दो। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, होता है कि नहीं होता है? कब तक, कब से पढ़ते आ रहे हो? 8th क्लास से। कहां से पढ़ते आ रहे हो? 8th क्लास में। तो इसमें कोई नई बात तो नहीं है। अच्छा, अब बच्चों जब ये कंडीशन मुझे पता है, अब नाउ स्पीड ऑफ ट्रेन हैड बीन इंक्रीज्ड, हैड बीन इंक्रीज्ड कितना? 5 किलोमीटर पर आर, ठीक है। रेल की, रेल की चाल बढ़ाई गई, बढ़ाई गई, हाँ जी, रेल की चाल बढ़ाई गई। कितनी चाल बढ़ाई गई भाई? 5 किलोमीटर पर आर बढ़ाई गई। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस प्रकार प्रश्नानुसार, क्या है बच्चों प्रश्नानुसार? मुझे ये बताओ, हमने क्या सीखा? जिसकी स्पीड ज्यादा, जिसकी स्पीड कम, ठीक है, स्पीड ज्यादा, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी टाइम कम लेगा, स्पीड कम होगी टाइम ज्यादा लेगा, यही सीखा हमने। स्पीड ज्यादा होगी टाइम कम लेगा, स्पीड कम होगी टाइम ज्यादा लेगा। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, हमें जो ये एक घंटा निकालना है वो कैसे निकालना है? कम टाइम में, वो ज्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस करके, सही बात है, ज्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस करके। अब मुझे ये बताओ, कौन सी चाल ज्यादा टाइम ले रही है, ये वाली या ये वाली? जल्दी बता दो, x ज्यादा टाइम लेगी चलने में यानी वहां पहुंचने में, या x प्लस 5? सीधी सी बात है, x। क्यों भाई ज्यादा टाइम लेगी? क्योंकि इसकी स्पीड कम है और इसकी स्पीड ज्यादा है। तो बच्चों टाइम का रिलेशन बनाना है, किसका रिलेशन बनाना है? टाइम का। और टाइम का रिलेशन क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो जल्दी बताओ डिस्टेंस कितना है? 360। हाँ भाई, कम स्पीड कौन सी है? x, तो यहां पे रखेंगे। तो देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम बना कि नहीं बना? अच्छा, ये कौन है? डिस्टेंस। हाँ भाई, तेज कौन चल रहा है? x प्लस 5, तो चलो x प्लस 5, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसकी स्पीड है x, यानी धीरे चल रहा है, तो टाइम क्या लेगा? ज्यादा। इसकी स्पीड है x प्लस 5, तो इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड ज्यादा है, टाइम क्या लेगा? कम। और दोनों के बीच में कितने घंटे का गैप है? दोनों के बीच में एक घंटे का गैप है। दोनों के बीच में कितने घंटे का गैप है? एक घंटे का। तो हो गया, बस सॉल्व कर दो, खत्म कहानी। कैसे करेंगे सॉल्व? ऊपर से 360 कॉमन ले लो, 1 अपॉन में x, x प्लस 5, सॉल्व करो। ये इधर क्या कर रहा है? डिवाइड, मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड करेगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे से। 360 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां पर आके क्या करेगा? डिवाइड, x है x, कट गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ठीक है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? 360 को 5 से मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, 1800 हो जाएगा ये, x स्क्वायर प्लस 5x, 1800 को उधर ले जाओ, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, ठीक है। फैक्टर बना दो बच्चों, फैक्टर बना दो इसके। मुझे नहीं लगता कि इसका फैक्टर बनाने में आपको कोई दिक्कत आएगी। यहां 1 है, 1800 से मल्टीप्लाई करोगे 1800, 2 से करोगे 900, 2 से करोगे 450, 2 से करोगे 225, 3 से करोगे 75, ठीक है, 3 से करोगे 25, और 5 से करोगे 5, 5 से करोगे 1। हाँ भाई, बीच में मुझे किसका गैप चाहिए? 5 का। किसका गैप चाहिए?
पांच का, तो कैसे आएगा भाई? हाँ जी, 45 पंजे, नहीं 45 पंजे नहीं, 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, नहीं 3 3 9 दूनी, या एक काम करो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी कितना हो जाएगा? तो एक काम करो, यही रहने दो, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, नहीं बन रहा भाई बात। फिर एक काम करते हैं, और क्या फैक्टर बना सकते हैं हम इसके? हाँ भाई, 5 3 15, 15 3 45, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 और 45 बन गया, ठीक है। तो यानी क्या, 45 और 40। अब मुझे क्या चाहिए? प्लस का 5, तो 45 प्लस का और 40 माइनस का, बन गया फैक्टर, तो 45x माइनस 40, ठीक है, और ये बन गया माइनस। इसको क्या मैं 45 × 40 लिख सकता हूँ? तो बस x कॉमन, x प्लस 45, माइनस 40 कॉमन, माइनस 40 कॉमन, क्यों? क्योंकि x मुझे प्लस का चाहिए, ठीक है, और ये माइनस का। चलो, तो x प्लस 45, x माइनस 40 बराबर 0, x प्लस 45 बराबर 0, x माइनस 40 बराबर 0, प्लस 45 इधर आके माइनस, माइनस 40 इधर आके प्लस। स्पीड है ना x, क्या स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आई? 40 किलोमीटर पर आवर। तो लिख लेंगे, यहां पे लिखेंगे द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। रेल की समान चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलो नोट कर लो, समझ में आई बात? सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई ना, क्या किया मैंने ये, ठीक है बच्चों। 360 कौन है? डिस्टेंस है। एक्स कौन है? स्पीड। और डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या होता है? टाइम होता है। हाँ जी, एक्स वाले को पहले क्यों लिया? क्योंकि कम स्पीड है तो टाइम ज्यादा होगा। इसको बाद में क्यों लिया? क्योंकि ये ज्यादा स्पीड है तो टाइम कम होगा। और दोनों के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस है? एक। बस बात खत्म, ठीक है। नोट करो, नोट करो, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10। सेम क्वेश्चन है डिट्टो, बस एक छोटा सा फर्क है इसमें, ठीक है बच्चों। जल्दी जल्दी नोट कर लेंगे सभी बच्चे। अब हमारा कोर्स जो है बिल्कुल लाइन पर आ गया धीरे धीरे, ठीक है, तो अब हमें इतनी टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। ये कोर्स कब तक खत्म होगा? थोड़ी सी स्पीड आप लोगों ने दिखाई, थोड़ी सी स्पीड मैंने दिखाई, और कोर्स खत्म। यानी ये मान के चलो अभी मैंने कितने करा दिए चैप्टर आपको? पहला करा दिया, दूसरा करा दिया, तीसरा करा दिया, फोर्थ भी हो ही जाएगा, इसके तुरंत बाद फिफ्थ शुरू होगा, ठीक है। फिफ्थ के बाद फिर देखते हैं क्या शुरू करेंगे, ट्रिगो शुरू करूंगा, देखता हूँ। ट्रिगो नहीं करेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 10। मैं पहले पढ़ता हूँ, पढ़ते ही जिस बच्चे को क्वेश्चन समझ में आ गया वो मतलब सेकंड में कर देगा इस क्वेश्चन को, सेकंडों में। कैसे? देखो, कह रहा है एक एक्सप्रेस ट्रेन है, वो 1 घंटा कम लेती है, वो 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से। मतलब दो तरह की ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटे कम लेती है, क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि भाई एक्सप्रेस ट्रेन तेज चलती है, पैसेंजर ट्रेन धीरे चलती है। कह रहे हैं कि भाई
ये दोनों की दोनों ट्रेनें 132 किलोमीटर तय करती हैं, कहां से कहां तक? मैसूर से बेंगलोर तक, मैसूर से बेंगलोर तक दोनों ट्रेनें भाई मैसूर से बेंगलोर तक जाती हैं दोनों, लेकिन बस एक कम टाइम ले रही है, कौन? एक्सप्रेस, और एक ज्यादा टाइम ले रही है, कौन? पैसेंजर। ठीक है, अब इसने बोला कि भाई बीच में कोई भी स्टेशन आया हो, चाहे कोई भी स्टेशन ना आया हो, बीच में कोई भी स्टेशन आया हो या कोई भी स्टेशन ना आया हो, ठीक है, इन्होंने अपने रुकने का टाइम नहीं जोड़ा है, इन्होंने अपने रुकने का टाइम नहीं जोड़ा है। अब कह रहा है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर, कह रहा है एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। किसकी स्पीड? भाई एक्सप्रेस की। सीधी सी बात है, एक्सप्रेस तो तेज चलेगा ही, तो एक्सप्रेस की स्पीड कितनी ज्यादा है? पैसेंजर वाली ट्रेन से 11 किलोमीटर ज्यादा है। तो कह रहा है बताइए कि दोनों ट्रेनों की एवरेज स्पीड क्या है। तो बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आपको आपने ढंग से पढ़ लिया है, तो आपको बड़े प्यार से ये चैप्टर यहीं, ये क्वेश्चन यहीं समझ में आ जाने वाला है। कैसे? जरा ध्यान से देखना। ध्यान से देखो। हाँ जी, आपकी बार ट्रेन कितनी है? ट्रेन है आपकी बार दो, मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ठीक है, दो ट्रेनें हैं, ठीक है, एक ट्रेन है एक्सप्रेस, एक ट्रेन है पैसेंजर, ठीक है, एक ट्रेन है पैसेंजर। एक्सप्रेस ट्रेन तेज चलती है, हमेशा हमें पता है, पैसेंजर ट्रेन धीरे चलती है, ये भी हमें पता है। अब इनको मैसूर से बेंगलोर जाना है, कहां जाना है? बेंगलोर जाना है, ठीक है, ठीक है। अब एक्सप्रेस ट्रेन ने चलना शुरू किया और पैसेंजर ट्रेन ने भी चलना शुरू किया, लेकिन बेंगलोर एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटे पहले पहुंच गई, मतलब दोनों के टाइम का डिफरेंस कितने घंटे आया? 1 घंटे। दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना आया? 1 घंटे। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, जब दोनों के टाइम का डिफरेंस 1 घंटे है, जब दोनों के टाइम का डिफरेंस 1 घंटे है, तो प्यारे बच्चों, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड में कुछ रिलेशन दिया गया है। क्या रिलेशन दिया गया है? कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या सीखा हमने? कि अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी होगी? एक्स प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी। सही बात है। अच्छा, अब इसमें भी हमें क्या निकालना है? टाइम का रिलेशन निकालना है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों 132 किलोमीटर की ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। सही बात है कि नहीं? तो बस यहां पे लिखेंगे, लेट द डिस्टेंस बिट नहीं, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, हाँ जी, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या है? एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, माना पैसेंजर पैसेंजर रेल की चाल एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, एंड द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। हाँ जी, तो भाई अगर इसकी एक्स है, तो इसकी कितनी होगी? एक्स प्लस 11 किलोमीटर पर आर, ठीक है, तथा एक्सप्रेस रेल की चाल, एक्सप्रेस रेल की चाल कितनी है? एक्स प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन मैसूर टू बेंगलोर, हाँ जी, कितना डिस्टेंस है? 132 किलोमीटर, ठीक है, मैसूर से बेंगलोर की दूरी कितनी दूरी है? 132 किलोमीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, हाँ जी बच्चों, क्या सीखा हमने प्रश्नानुसार? कि जिसकी स्पीड कम
वो टाइम ज्यादा, और जिसकी, हाँ जी, स्पीड ज्यादा वो टाइम कम। तो सीधी बात है, धीरे कौन चल रहा है? पैसेंजर, तो ये टाइम ज्यादा लेगा। तेज कौन चल रहा है? एक्सप्रेस, तो ये टाइम क्या लेगा? कम। तो भाई सीधी सी बात है, और टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 132। हाँ जी, स्पीड धीरे किसकी है? पैसेंजर की, तो अपॉन एक्स। हाँ जी, 132 अपॉन में स्पीड तेज किसकी है? पैसेंजर, एक्स प्लस 11। दोनों के बीच का डिफरेंस कितने घंटे? 1 घंटे। सॉल्व कर दो, पहले वाला ही क्वेश्चन है कि नहीं है? बस डिजिट चेंज है, बस क्या है, डिजिट चेंज। ये मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड, इसको इससे, इसको इससे, नीचे को नीचे से। एक्स प्लस 11 माइनस एक्स, एक्स एक्स प्लस 11, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड, एक्स एक्स कट गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई 11 बटे में एक्स, एक्स प्लस 11, 1 बटे में 132। 132 को इससे, इसको इससे, तो इसको इससे करोगे तब भी यही आएगा, और 11 को 132 से करोगे तो 132 गुने में 11, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 11, और ये कितने, 11x। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, 11 दूनी 22 का 2, 11 तीय 33, 2 35 का 5 रह गए 3, 11 एकम 11 और 3 14, इधर उठा के ले आओ, बराबर 0। फैक्टर बना दोगे? क्या फैक्टर बनेगा? हाँ जी, फैक्टर बताओ, 1452, 2 7 2 और ये 6, फिर किससे, 2 3 6 8, फिर 2 से 1 8 4, फिर 2 से 9 2, फिर 2 से 4 6, फिर 2 से 2 3, फिर 23 से 1। कुछ गड़बड़ है, 7 2 6 3 6, ये गड़बड़ है ना, 3 6 3, ये हो गया, अगर वही मैं कहूँ कुछ गड़बड़ है, 3 6 3, उसके बाद किसकी बारी है, 3 से 1 2 1, फिर 11 से 11, फिर 11 से 1। ठीक है, अब हो गया ना, देखो कैसे, 11 तिया 33, मुझे 11 का गैप चाहिए ना, 2 दुनी 4, 4 गुने में 11 44, तो देखो 44 में 33 जाएगा, 11 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, और 11 कैसा चाहिए, प्लस, तो 44 प्लस और 33 माइनस। हाँ जी, इसको भी तो मैं लिख सकता हूं ना, 44 इंटू 33, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 44 माइनस 33 कॉमन लेंगे, ताकि अंदर क्या हो जाए, प्लस का। लो जी बच्चों, हो गया काम। तो बस ये माइनस का 44, हाँ भाई, ट्रेन की स्पीड कभी माइनस में हो सकती है? नहीं। और ये कितना आ गया, हाँ, तो हम क्या कहेंगे, द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज 33 किलोमीटर पर आवर, और द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 33 प्लस 11, 44 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, कोई समस्या बच्चों? नोट करो, ये बात लिखनी है नीचे, कहीं मेरे भरोसे ही रहो, नोट कर लो इसे। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, जल्दी नोट कर लो इसे, एक लास्ट क्वेश्चन और करा रहा हूं, ठीक है। है ना, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। तो अब आरडी शर्मा से इस टाइप के क्वेश्चन ट्राई करना आप लोग, ठीक है, और मैं तो कहूंगा इसी टाइप के ज्यादा ट्राई करना, क्योंकि यही पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट लिखना चाहो लिख सकते हो। क्योंकि अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है चैप्टर में, वर्ड प्रॉब्लम ही मेन है इसके अंदर, तो वर्ड प्रॉब्लम अभी मैं आरडी शर्मा से भी लूंगा अगली क्लास में। अभी तो एक बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है जो, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, इस क्लास में नहीं होगा वो। चलिए, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 रहता है, ठीक है, वो मैं अभी कराऊंगा नहीं, मैं अभी पहले करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अच्छा, और एक बात और बता दूं, आप अब कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो, आप क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 15 कर सकते हो, ठीक है, ठीक। अच्छा, इसमें एक टॉपिक और है, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड,
ठीक है, वो ना लास्ट ईयर कोर्स में से हट गया था, लेकिन फिर भी मैं इस साल एक बार करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 15 करके देखना आप लोग पहले। चलो मैं 11th क्वेश्चन करवाता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन में लिखा है, सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर्स। अरे ये तो सिंपल था क्वेश्चन, कर लो नोट कर लो इसे, ठीक है? फिर करवाता हूँ, लास्ट क्वेश्चन कराते हैं आज का। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें किसी को भी? ठीक है, अगर हो बच्चों तो मुझे तुरंत मतलब मैसेज करना, फिर देख लेंगे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन देखो बच्चों। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि आपके पास कहा गया है कि दो स्क्वायर है, आपके पास दो वर्ग है, आपके पास क्या है, दो वर्ग है, और कह रहा है दोनों स्क्वायर का एरिया, दोनों स्क्वायर का इसका एरिया और इसका एरिया आपस में ऐड कर दूं तो 468 मीटर स्क्वायर आता है। ठीक है, कह रहा कि अगर इसका एरिया, ठीक है बच्चों, इस वाले का एरिया और इस वाले का एरिया आपस में ऐड कर दूं तो 468 मीटर स्क्वायर आंसर आता है, दोनों का एरिया ऐड करने पे। देख लो ध्यान से सुन। लेकिन आगे कह रहा है कि अगर इनके पेरीमीटर का डिफरेंस निकाला जाए तो 24 आता है। पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बच्चों? पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? परिमाप। और पेरीमीटर कहते किसको है? जब इसके साइड साइड की लेंथ को ऐड कर देते हैं, इसके साइड साइड की क्या भाई, लेंथ को ऐड कर देते हैं। तो बच्चों एक बात बताओ, जब यहां पे बात हो गई है डिफरेंस की, यहां पे किसकी बात हो गई है? डिफरेंस की, तो जरूर एक स्क्वायर बड़ा होगा और एक स्क्वायर छोटा होगा, सही बात है? तो मान लीजिए ये स्क्वायर बड़ा है, चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि आपको ऐसा फील भी हो कि हाँ भाई ये बड़ा है अभी, ठीक है? अब ठीक है, इसका एरिया और इसका एरिया जोड़ के कितना आ रहा है? 468। लेकिन अब क्या कह रहा, पेरीमीटर का डिफरेंस, लेकिन पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है। पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है? 24। परिमाप, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का योग 468, परिमाप का अंतर 24। तो देखो हर किसी स्क्वायर की, हर वर्ग की अपनी अपनी कोई ना कोई साइड होती है। तो अगर मैं इसे इसकी साइड एक्स मानता हूं तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, सही बात है? और आपको अच्छे से पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड की स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका एरिया क्या आया? एक्स स्क्वायर। इसको वाई लेट कर लो तो भाई इसका एरिया क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर। अच्छा अब बात करते हैं पेरीमीटर की। अब किसकी बात करते हैं? हाँ जी भाई, अगर ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो पेरीमीटर में क्या करते हैं? साइड को ऐड करते हैं। तो इसका पेरीमीटर क्या आ गया? 4x। क्यों? एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कितनी बार एक्स? 4 बार x, तो 4x। y प्लस y प्लस y प्लस y, तो कितना आ गया पेरीमीटर? 4y। ठीक है, क्यों? y प्लस y प्लस y, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 24 है। 24 वो भी क्या है? 24 मीटर। ठीक है, तो बताइए कि दोनों की साइड कितनी कितनी है। तो ठीक है जी, ठीक, ये समझ में आ गया? ये तो पल्ले पड़ गया। नोट करो पहले इसको, पहले इसको नोट करो ताकि मैं फिर इसको लिख लिख के समझा सकूं। पहले नोट करो जल्दी से। नोट करो इसे, इसके बाद अब ये क्वेश्चन 2 मिनट का रह गया, बस मिटा दूं। चलो ठीक है, मिटाता हूं। चलो भाई देखेंगे फटाफट जरा। सबसे पहले क्या करेंगे? लेट द साइड ऑफ, लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, ऑफ लार्जर
स्क्वायर, क्यों? क्योंकि पक्का एक स्क्वायर बड़ा है, एक स्क्वायर छोटा है, क्योंकि डिफरेंस की बात की गई है, ठीक है? तो हम क्या मान लेंगे, एक्स मीटर माना बड़े वर्ग, बड़े वर्ग की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई कितनी मान ली बच्चों, एक्स मीटर। एंड द, हाँ भाई, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, स्मॉलर स्क्वायर तो कितना है, वाई मीटर, तथा छोटे वर्ग की भुजा की लंबाई, कोई दिक्कत ना। अब एरिया की बात हुई है और पेरीमीटर की बात हुई है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर। तो हाँ जी, हम भाई स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड की स्क्वायर, ठीक है? और साइड कितनी है जल्दी बता दो, एक्स, तो यानी कि क्या मैं एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ उसको, ठीक है? ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, हिंदी वाले साइड स्क्वायर का मतलब लिखेंगे भुजा का स्क्वायर, ठीक है? और इसको ब्रैकेट में रख लेना, ठीक। अब लिखेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, तो क्या होगा भाई, वाई का स्क्वायर, सही बात है? अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं, साइड का स्क्वायर वो समझाने के लिए बताया बस। छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। अच्छा, अब बात आती है किसकी, पेरीमीटर की, क्योंकि पेरीमीटर की भी बात छेड़ी है, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर। अच्छा, मुझे एक सिंपल सी बात बता दो बच्चों। हाँ जी, मैंने क्या सिखाया आपको भाई, स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 4 × में साइड, यही होता है ना, यानी 4 × में भुजा, ठीक है? तो भाई लार्जर की बात कितनी आएगी, 4, और भाई लार्जर की साइड कितनी है, एक्स, तो 4x मीटर, 4x मीटर, ठीक है? बड़े वर्ग का परिमाप, ठीक है? अच्छा, अब क्या है, अब किसकी बात आएगी, पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, तो कितने आएगी भाई जल्दी बता दो, 4y, इतने मीटर, छोटे वर्ग का परिमाप, आ गया ना। नाउ अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फटाफट काम करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले केस में क्या बोला है, एरिया का सम, ठीक है? सम ऑफ एरिया, सम ऑफ एरिया, सम ऑफ देयर एरिया, सम ऑफ देयर एरिया कितना बोला है, 4 6 8 मीटर स्क्वायर, उनके क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग। हाँ जी, तो भाई पहले का क्षेत्रफल कितना है, एक्स स्क्वायर, दूसरे का क्षेत्रफल वाई स्क्वायर, 4 6 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हाँ भाई, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, ऑफ देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना दे रखा है, 24 मीटर, ठीक है? उनके परिमाप का, परिमाप का अंतर, परिमाप का अंतर। हाँ जी, तो 4x - 4y बराबर 24। बच्चों 4 कॉमन लूंगा, एक्स माइनस वाई बचेगा, जल्दी बोलो, 4 यहां मल्टीप्लाई कर रहा, वहां जाके क्या करेगा, डिवाइड, 4 6 24, तो ये आ गया। अब तुम किसी एक की वैल्यू निकाल लो, चाहे तो एक्स स्क्वायर की निकाल लो, चाहे तो वाई स्क्वायर की निकाल लो। तो मान लीजिए मैंने एक्स की निकाल ली, तो ये माइनस का वाई वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का वाई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 6 + y, ठीक है? चलो अब करें, क्या रखेंगे, नाउ नाउ टेक इक्वेशन फर्स्ट। हाँ जी, समीकरण एक लेने पर क्या है इक्वेशन फर्स्ट, 4 6 8। हाँ जी, एक्स की वैल्यू क्या निकाली है मैंने, जल्दी बताओ, तो 6 + y² + y² + 4 6 8, कोई दिक्कत क्या, ये आपको a + b² जैसा लग रहा है, खोलो, a² + b² + 2ab + y², यही था ना। हाँ जी, तो कितना आएगा, 6 का 36 y² 6 × 12 y, y² 468, y² 2y² 12y प्लस का 36, ये इधर आके माइनस का 468, 2y² + 12y,
468 में से 36 गया, माइनस का कितना बचेगा? हाँ भाई, 8 में 6 गया 2, 6 में 3, और ये 432 बराबर 0। भाई इसमें 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 तीनों में से दो कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बता दो, बोलो तीनों में से दो कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्यों? इसमें भी 2 आता है, इसमें भी 2 आता है, इसमें भी 2 आता है। 2 मल्टीपल कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा वाई स्क्वायर, 12 में से 2 कॉमन लेंगे तो 6 दूनी 12, 432 में से 2 कॉमन लेंगे तो 216, क्यों? क्योंकि 216 दूनी क्या होता है भाई, 432। 2 यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या बन गया, वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 216 बराबर 0/2। तो ये तो 0 ही बन जाएगा ना, ये तो वापस क्या बन जाएगा, 0/2 बराबर क्या बन जाएगा, 0। तो लो जी, वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 216 बराबर 0। बनाओ फैक्टर, 1 के मल्टीप्लाई 216 से, 216 का फैक्टर 2 1 0 8, 2 5 4, 2 7, 3 9, 3 3, 3 1। मुझे कितना चाहिए, मुझे 6 चाहिए। 3 3 9 2 18, 3 2 6, 6 2 12। भाई 18 में से 12 जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 18 प्लस का और 12 माइनस का। तो क्या मुझे अब इसके आगे, क्या मैं इसको 18 गुना 12 लिख सकता हूं? हाँ जी, तो y कॉमन लेंगे तो y प्लस 18, माइनस 12 कॉमन लेंगे y प्लस 18। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अरे बोलो, y प्लस 18 बराबर 0, y माइनस 12 बराबर 0, प्लस 18। हाँ जी, तो ये प्लस 18 उधर जाके माइनस, और माइनस 12 उधर जाके प्लस, तो भाई माइनस में तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि y कौन है, y एक लेंथ है, y कौन है, एक लेंथ है, और लेंथ कभी माइनस में होती नहीं। तो इसका मतलब y बराबर 12, मतलब छोटे वाले स्क्वायर की साइड आ गई कितनी, 12, और बड़े वाले की कितनी आ जाएगी, सेकंड में पुट कर दो, पुट y इन इक्वेशन सेकंड, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 6 प्लस में y, 6 प्लस 12 बराबर 18। तो यानी बड़े वाले की, बड़े वाले स्क्वायर की साइड आ गई 18 मीटर, और छोटे वाले की साइड आ गई 12 मीटर। क्या किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? बोलो जल्दी, है ना छोटा सा क्वेश्चन बिल्कुल। अब तुम कहोगे सर इतना बड़ा करा दिया, अरे बड़ा नहीं है, छोटा ही है, वो ये इतना सारा लिख दिया ना इस वजह से तुम्हें बड़ा लग रहा है, बाकी ये लिखा ही तो है, ठीक है। अरे अब ये मत कहना कि सर अगर वहां पे ना लिखे तो क्या दिक्कत है, तो बस एक ही दिक्कत है, 0 नंबर, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसे जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे, ठीक है, चलिए बाय।